अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदराबाद टुडे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सैयदा साजिदाउद्दीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। एक रमा प्रसाद बोल के एक आदमी ने कंप्लेंट किया कि उनका घर में जो सोने का ये आर्नमेंट जो रहता है उसका चोरी हुआ बोल के कंप्लेंट किया, और उनका शक था उसका सर्वेंट लक्ष्मी के ऊपर था। इमिडिएटली हमने उसका कार्रवाई करे तो उस इन्वेस्टिगेशन में हमको ये इतला हो गया कि वो लक्ष्मी का हैंड है बोल के मालूम हुआ। मालूम होने के बाद उनका गिरफ्तार करने के टीम्स भेज दिया, वो अशोक कमर DI और उनका टीम्स पूरा जाके उनको पकड़ के बाद उन्हें कन्फेशन किया, ये पूरा मरीज किया बोल के। तो कन्फेशन में 20 तोला के ऊपर लिया है वेरियस टाइम्स, एक ही टाइम पे नहीं दिया, 2-3 टाइम पे लिया है। लेने के बाद वो क्या है, उनका पहचानत वाले है एक परगी ने, उधर जाके एक ये फ्लिच करके पैसा लिया। और बाकी जो है शादनगर में और एक पहचानत हुआ थे उसका पास को लिया है, लेके पैसा लिया है। ये इनको अरेस्ट करने के बाद वो परगी जाके और शादनगर जाके इसका पूरा जब्त करके आया है। इसका पूरा कीमत रहता है अराउंड 6,50,000 रहता है। और ये लोगों के लिए जो ओनर्स के लिए गुजारिश ये है कि ये जिस सर्वेंट को लगता है ना थोड़ा इन नेग्लिजेंट एटीट्यूड में नहीं रहना है, उसके एंटीसीडेंट्स भी थोड़ा वेरीफाई करना है, और उसका आधार कार्ड और वगैरह वगैरह आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स और उसका सेल फोन नंबर और रिलेटिव का सेल फोन नंबर भी लेकर रखे, तो अगर ऐसे कैसे ऑफेंस हुए तो इमिडिएटली आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है। और दूसरा क्या है, ये लोग भी जो ओनर्स है घर वाले है उन्हें भी नेग्लिजेंट एटीट्यूड में नहीं रहना, वो चाबी वहाँ ही रखना अलमारी के पास, वही इधर ही उधर रखना, वो नहीं वो बंद करो तो अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू। मतलब टी रेसिपी।